हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। ये है हमारा 1994 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे वी वुड बी डिस्कसिंग पॉलिटी सेक्शन। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज। जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है क्या इम्प्लाई करती है, या क्या व्हाट डज इट इम्प्लाइज? वो कहते हैं कि आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो सर्टन फीचर्स हैं, जो असेंशियल हैं, वो आप एब्रोगेट या डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आपको बेसिक फीचर्स को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। ऑप्शन इज ए, दैट इज सर्टन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो असेंशियल दैट इट कैनॉट बी एब्रोगेटेड। जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, उसके रिगार्डिंग आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो बेसिक फीचर्स को छोड़कर या उनको लीव करके जो बाकी फीचर्स हैं वो आप अमेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर करेक्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट, इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। यस, अगर प्रेसिडेंट कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट से पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट इज बाइंड टू गिव इट्स एडवाइस। सेकंड है, द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नो, फुल बेंच हियर नहीं करेगी, जो बेंच मैंडेटेड होगी वो ही हियर करेगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यस, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना ओपिनियन देता है तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट को उसको बाइंड है, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अप टू द प्रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट कि वो उसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर फोर, नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नो, एनी नंबर ऑफ मैटर्स या एनी नंबर ऑफ रेफरेंसेज कैन बी गिवन। सो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है वन एंड थ्री, दैट इज बी, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ने बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेट सी। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नो, नॉट ऑल। एज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओनली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का मेंबर हो, एक्स ऑफिशियो मेंबर तो है पर वो हाउस का मेंबर नहीं होगा। ऑप्शन सी है, अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा इज दैट व्हाइल अ कैंडिडेट टू द लोकसभा कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया, अ कैंडिडेट टू राज्यसभा शुड ऑर्डिनरली बी अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग। यस, दैट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर फोर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड। नो, इट डज नॉट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन जो सी है कि लोकसभा के लिए आप कहीं से भी कैंडिडेचर फिल कर सकते हो, पर राज्यसभा से, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको कैंडिडेचर अपने ही स्टेट से जहां पे आप रेजिडेंट हो वहां से फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इट इज इंप्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड। यस, इट इज गारंटीड अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, एनिमेट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। ये आपने बताना कौन सा रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बाकी सब करेक्ट है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी हमें बोलता है कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए कंट्री में। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन स्पेसिफिकली टर्म्ड एज म्युनिसिपल रिलेशंस। म्युनिसिपल रिलेशन उनको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कोई स्टेट अपनी लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए कोई काम करता है, प्लानिंग करता है, तब हम बोलते हैं कि वो म्यूनिसिपल रिलेशंस की तरह काम कर रहा है। दैट इज सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस। जैसे स्टेट अपनी लोकल गवर्नमेंट या गवर्नेंस के लिए काम करेगा, सेम वे सेंटर किसके लिए काम करेगा? स्टेट के लिए, फॉर इट्स गवर्नमेंट और गवर्नेंस। तभी बोला है कि दे आर टर्म्ड एज म्यूनिसिपल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट। पहली बात है, एग्जिट पोल लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिट पोल्स को मैंडेट नहीं करता। अब देखते हैं कि क्या चीज करेक्ट है। एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ द वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन हूज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। यस, वो पोस्ट इलेक्शन सर्वे करता है कि किस वोटर ने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, टू डिटरमाइन कि कौन सी पार्टी आने वाले टाइम में मेजोरिटी पार्टी बन सकती है या रूलिंग पार्टी बन सकती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द सीएम ऑफ अ स्टेट। ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज है जो पहले सीएम नहीं थी पर आगे चल के वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी? इट वॉज चंद्रशेखर राव,
सॉरी हाँ इट वॉज चंद्रशेखर राव, ऑप्शन सॉरी डी है, नॉट ऑप्शन इज डी, दैट इज चंद्रशेखर राव। कौन है चंद्रशेखर राव? ऑप्शन डी, दैट इज फोर ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन और रीजन के बारे में हमें बताना है। असर्शन है, इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉर्म द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेड द मेजोरिटी ऑफ सीट सिक्योर्ड इन द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स बट नॉट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। यस ये करेक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी सीट सिक्योर करती है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं। रीजन इसका है, द इलेक्शंस बेस्ड ऑन मेजोरिटी वोट सिस्टम डिसाइड द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, आर इज फॉल्स, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। जो इलेक्शन है मेजोरिटी वोट सिस्टम का वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आप इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, आपको लोग वोट करेंगे, अगर आपने 50% + 1 का मार्क क्रॉस कर लिया, मेजोरिटी कर ली है, तो आप इलेक्टेड हो जाओगे उस सीट के लिए। हाँ अगर किसी के पास भी फेवरेबल मेजोरिटी नहीं है, फॉर सपोज देयर वर टू या थ्री कैंडिडेट्स, एक के पास 40% है, एक के पास 30%, एक के पास 20% है, तो जीता कौन है? ए। तो इसमें ये प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि जिसको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली है दैट विल बी द विनर, दैट विल बी फॉर्मिंग द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपने बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए का क्या फंक्शन है, टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाउस के लिए करता है वो इलेक्ट। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज, नो। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन, नो। ऑल नहीं है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इट इज सुप्रीम कोर्ट, बाकियों के इलेक्शन कमीशन, दैट इज नन ऑफ दीज, मतलब इन तीनों में से कोई भी उसका फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर वेरियस इलेक्शंस इन इंडिया। आपने बताना है कौन-कौन से सिस्टम हमने अडॉप्ट किए हैं इंडिया में। पहला है सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेस ऑफ एडल्ट सफरेज, यस। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यस। लेस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, नो। क्यूमुलेटिव सिस्टम, नो। हमारे पास दो ही ऑप्शन, दो ही सिस्टम्स हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जो हमने इंडिया में अप्लाई किए हैं या अडॉप्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज आर लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। वो है स्टैम्प ड्यूटी, यूनियन कलेक्ट करता है और स्टेट को अप्रोप्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हमने हब एंड स्पोक मॉडल किया है, दिस इज आर सेंटर, ये स्टेट्स हैं। लाइक हम देखते हैं कि अलॉय व्हील ऑफ अ कार या साइकिल, या व्हील ऑफ अ साइकिल और स्कूटर, हम उसमें देखते हैं कि किसी भी व्हीकल का जो व्हील है वो कैसे होता है। एक व्हील है, उसके अंदर एक इनर सर्कल होता है, हम बोलते हैं ये सेंटर है, और ये कहाँ से, किस चीज से अटैच है, स्टेट से अटैच है। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो हमारा फेडरलिज्म के मॉडल को डिपेक्ट करता है। सो दिस वॉज योर 1994 क्वेश्चन पेपर। प्रीलिम्स में पॉलिटी सेक्शन में डिस्कस किया है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी टेकिंग 1995। थैंक यू सो मच।